विश्व रक्तदान दिवस पर बुधवार को सैंफोर्ड हॉस्पिटल रांची के सहयोग से सीआईएसएफ एनके पिपरवार यूनिट के द्वारा रक्तदान शिविर के साथ हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में एनके महाप्रबंधक संजय कुमार के अलावा सीआईएसएफ कमांडेंट संदीप कुमार एवं जीएम सैंफोर्ड भारतीय ओझा कमलेश सैंफोर्ड से विशेष रूप से उपस्थित थे। शिविर का शुभारंभ एनके महाप्रबंधक संजय कुमार सहित जीएम सैंफोर्ड भारतीय ओझा एवं सीआईएसएफ कमांडेंट संदीप कुमार एस ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान शिविर में सीआईएसएफ यूनिट के द्वारा कुल 84 यूनिट ब्लड दान किया गया। इसके अलावा 51 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। मौके पर सीनियर कमांडेंट संदीप कुमार एस ने कहा कि सीआईएसएफ एक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में अधिनियम पारित होने के बाद इसका गठन हुआ। लगभग 54 साल के सफर में मात्र 3000 सीआईएसएफ कमांडेंट के साथ शुरुआत हुई थी और आज लगभग 1,80,000 का एक बेहतरीन फोर्स के साथ सीआईएसएफ उभर कर सामने आया है। सीआईएसएफ देश की इकोनॉमी की सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एनके महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों को कभी भी किसी परिस्थिति में याद करने पर सीआईएसएफ के जवान हमेशा सेवा देने को तत्पर रहते हैं तथा प्रत्येक कार्यक्रम को सफल बनाने में वे सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में खलारी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक साथ कई संगठन मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं जिसमें सीआईएसएफ की अहम भूमिका रहती है। इसके साथ ही रक्तदान के क्षेत्र में खलारी डकरा क्षेत्र पूरे झारखंड में नंबर वन है। शिविर में सीआईएसएफ के वितेश मलिक सहित बल सदस्य व क्यूआरटी टीम के जवान शामिल थे। इनके पिपरवार का सैंफोर्ड हॉस्पिटल रांची के सहयोग से आज इस ब्लड डोनेशन कैंप और एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। सीएसएफ एक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में गठित हुआ है। लगभग 54 साल सीएसएफ ने सफर किया। मात्र 3000 का स्ट्रेंथ से सीएसएफ का शुरुआत हुआ था और अभी 1,80,000 का एक बेहतरीन फोर्स के नाम में सीएसएफ उभर के आया है। शुरू में जो आम इंडस्ट्रीज होता है, फैक्ट्रीज, उसमें सीएसएफ डिप्लॉय होते थे, मगर आज सीएसएफ को विभिन्न दायित्व मिला है जो देश का इकोनॉमी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों का सुरक्षा देने का, जिसमें एयरपोर्ट सेक्टर, पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आधार डेटा सेंटर, दिल्ली का जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मेट्रोस, आप जो चुनना चाहेगा जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो सभी क्षेत्र में सीएसएफ का प्रेजेंस है। सीएसएफ उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सीएसएफ वीआईपी सिक्योरिटी का दायित्व सीएसएफ के पास है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। जिस वीआईपी को सुरक्षा देना है वो सीएसएफ का टास्क दिया है, तो उनको सुरक्षा देना उस दायित्व भी सीएसएफ निभा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में भी सीएसएफ का बटालियन काम कर रहा है। एक बटालियन अरकोणम में तमिलनाडु में है, एक बटालियन उड़ीसा में कार्यरत है। तो इस तरीके का सीएसएफ आज देश का इकोनॉमी से रिलेटेड हर क्षेत्र में सीएसएफ मौजूद है। सीएसएफ के हाथ में देश की इकोनॉमी सुरक्षित है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सीएसएफ इनके पिपरवार का अगर हिस्ट्री बताएं, ये 2008 अप्रैल में इसका शुरुआत हुआ था और एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, क्राइम प्रोन क्षेत्र है। और इधर इस 15 साल का जर्नी में सीएसएफ ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और हर परिस्थिति में सीएसएफ अपना ड्यूटी पे, अपना जवान ड्यूटी पे खड़ा रहा है। जीएम और डॉक्टर्स साथ में हमारे सहयोगी श्री दिवाकर साहू साहब, सभी ब्लड डोनर्स, सीआईएसएफ के सभी
सैनिक, पत्रकार, मीडिया, आज विशेष दिन है, ब्लड डोनेशन के नाम जहां तक सीआईएसएफ की टीम का सवाल है, मैं हमेशा कभी भी कोई परिस्थिति इस तरह की आती है तो जरूर उन्हें कॉल करता हूं और बड़े ही संख्या में उपस्थित होकर कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करता हूं। जहां तक ब्लड डोनेशन की बात है, इस कटका क्षेत्र में कई और संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेशन करती हैं और उन सब में भी सीआईएसएफ के सैनिक लोगों को, जवान लोगों को बुलाया जाता है और बड़े ही सहज भाव से वहाँ उपस्थित होते हैं। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, डकरा क्षेत्र पूरे झारखंड में नंबर वन है ब्लड डोनेशन में। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कई संस्थाएं हमेशा ब्लड देती हैं और बहुत ही संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और जो रांची में अवस्थित है सरकारी हॉस्पिटल, उसके लिए पूरी मात्रा में यहाँ से ब्लड जाती है, चाहे वो थैलेसीमिया पेशेंट के लिए हो, चाहे एक्सीडेंटल कोई किसी का प्रॉब्लम हो गया है या कोई और भी रोग से ग्रसित हो जहाँ पर भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो आज सीआईएसएफ टीम को साथ में सीनियर कमांडेंट जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बड़े ही मनोभाव से, उनको मैं थैंक्स अपने इनके क्षेत्र की तरफ से देना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, साथ में धन्यवाद के पात्र हैं सैफोर्ड हॉस्पिटल की पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है।